नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा और लाइव जुड़े हैं हम आपको फिलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिसमें हरियाणा सरकार ने एक रिव्यू मीटिंग की है चंडीगढ़ के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शामिल थे और अनिल विज, जिनकी तरफ से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई पूरे हरियाणा भर के तमाम डीसी और एसपी थे साथ में, और उनके साथ साथ जो मुख्य चिकित्सक अधिकारी हैं सीएमओ, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और क्या क्या उसमें नए जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए, वो भी हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से साझा करेंगे। पर इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो बढ़ते हुए कोरोना के मामले हैं और कुल आंकड़ों की अगर जो बात करें, तो कल की बात करें तो हरियाणा के अंदर 5000 से ज्यादा जो मामले आए थे, और पानीपत अकेले बात करें तो 254 जो मामले थे वो आए थे, और साथ के साथ 3 जो मौतें हुई थी। और आपको बता दें कि देश भर में कुल टोटल जो आंकड़ा आया था वो 2,739 जो टोटल केस थे, साथ के साथ मौत का आंकड़ा बताए तो 1,038 मौतें हुई थी। और हम आपको बता दें कि क्या क्या इसमें अहम जो मुद्दे हैं, क्या क्या जो फैसले लिए गए, किन किन के पक्ष में लिए गए हैं, और किसानों के ऊपर भी जो है सरकार की तरफ से कुछ बोला गया है, वो भी हम आपको सीधी तहलका के माध्यम से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपको जो जानकारियां हैं वो साझा कर रहे हैं कि जो प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए फिलहाल जो हरियाणा सरकार है वो सतर्क होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने सभी डीसी एसपी और सिविल सर्जनों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री जो अनिल विज हैं उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं वो भी लिए गए। और इस मीटिंग में प्रदेश भर में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बोला गया है। और हम आपको बता दें कि जो फिलहाल समुचित जो मात्रा में बेड है, उन्होंने बताया कि जो हमारे पास ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, बेड हमारे पास पर्याप्त हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि जो नई नई जो जानकारियां हमारे पास आ रही है वो हम आपके पास साझा कर रहे हैं आपसे। फिलहाल जो शादी समारोह है वो रात की बजाय दिन में की जाए, ये इस मीटिंग में बोला गया है, और लोगों से अपील की गई है कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए, और साथ के साथ जिस तरह आपको पता ही है कि नवरात्रे चल रहे हैं और सरकार की तरफ से बोला गया है कि नवरात्रों में जो है कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, तो वो रात की बजाय दिन में किए जाएं, ये एक महत्वपूर्ण जो है मीटिंग के अंदर सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया है। और अब शादी समारोह में अगर जो आउटडोर शादी होती है तो उसमें 200 लोग जो हैं वो हिस्सा लेंगे, और इंडोर की बात करें अगर जो किसी बैंकट हॉल में या किसी अंदर धर्मशाला में, तमाम जो इंडोर मतलब शादियां होती है वहां पर सिर्फ 50 लोगों की जो है वो अनुमति देने की बात की गई है। वहीं आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में जो शामिल हो सकेंगे वो 20 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। सख्त जो आदेश है सरकार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फैसला ले रही है। और आपको बता दें कि कोरोना के चलते किसान आंदोलन में भी लोगों से अपील की गई है, किसानों से अपील की गई है कि हरियाणा के जो तमाम बॉर्डर हैं वहां पर किसान बैठे हैं, और टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, उस तरफ आप लगाइए गुड़गावा की साइड में, वहां पर भी जहां पर भी तमाम जो हरियाणा के बॉर्डर लगते हैं किसान वहां पर बैठे हैं, उनको लेकर के भी फैसला लिया गया है और अपील की गई है कि किसान भी बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म करें। और हम आपको बता दें कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं अनिल विज, उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया था कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं उनको एक पत्र लिखा गया था कि सरकार किसानों का मसला जल्द से जल्द हल करे बैठ करके, और ताकि जो ऐसी ये महामारी चल रही है उसको कम किया जा सके, उससे बचा जा सके। और साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा एक फैसला और लिया गया है
कि जो गेहूं की खरीद है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी उठान को लेकर के, और सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि जब अगर गेहूं उठान में 48 घंटे के अंदर गेहूं उठाया नहीं जाता है, ये एक महत्वपूर्ण जो मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है कि इसके लिए जिला उपायुक्त जिम्मेदार होंगे। साफ साफ सरकार की तरफ से ये कहा गया है। फिलहाल के लिए जो एक बड़ा फैसला लिया गया है, और हम आपको बताएंगे कि अनिल विज के द्वारा भी ये कहा गया है कि भले ही लोगों का विरोध हमें झेलना पड़े, क्योंकि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए एक सेकंड वेव जो पहुंची है उसमें देखते हुए अलग अलग आंकड़े हैं। पूरे हरियाणा भर की अगर जो बात करें तो कल 5300 कुछ जो मामले आए थे, 5000 से ऊपर जो मामले आए थे उसमें, और मौतें काफी सारी जो मौतें हैं वो भी दोबारा से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और उनकी तरफ से बोला गया है कि अनिल विज ने कहा कि हम सख्ताई करने जा रहे हैं और लोगों की नाराजगी झेल सकते हैं, लेकिन जो लाशें हैं वो हमसे नहीं देखी जाएंगी। ये उनकी तरफ से बोला गया साफ साफ सख्त शब्दों में। और आपको बताना चाहेंगे कि किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने बताया गया है उनकी तरफ से कि भी किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, लोगों से किसानों से ये अपील की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा भी और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी कि भाई बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए। और हालांकि जो किसान इसमें अहम मुद्दा रहा, क्योंकि लगातार जो है गेहूं के अंदर जो उठान को लेकर दिक्कतें आ रही थी, पूरे हरियाणा भर से जो तमाम अनाज मंडियां हैं उसमें अनाज लबालब भरा हुआ है, उठान नहीं हो पा रहा, पोर्टल काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पोर्टल की पे क्योंकि आई और जे फॉर्म दो फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म को अपलोड करने में काफी दिक्कतें आ रही है, जिसको लेकर के उठान नहीं हो पा रहा है, और उसको लेकर के सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है कि ये तमाम जो जिला उपायुक्त हैं उनको अगर जो 48 घंटे के अंदर ये गेहूं की उठान की प्रक्रिया नहीं होती है, गेहूं उठाया नहीं जाता है, तो उसको लेकर के जिला उपायुक्त खुद जिम्मेदार होंगे। ये एक सख्त लहजे में सरकार की तरफ से बोला गया है। कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि किसानों को उठाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, और ये अमरीश त्यागी जी हैं, इनकी तरफ से ये मैसेज आया है। और साथ के साथ किसानों की भगवान से अपील है कि सबसे पहले तो कृषि मंत्री अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि लोगों की तरफ से भी बोला गया है कि सरकार जो है किसानों को उठाने के लिए ये नई नई जो गाइडलाइन है उनके द्वारा बनाई गई है। और भी अगर जो आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ जो लोग हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं इस खबर को, वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और हम आपके जो कमेंट्स हैं वो साझा करेंगे सीटी तालिका के माध्यम से। आप अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप साझा कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं कि आप प्रतिक्रिया आप टाइप कीजिए और क्या सोचते हैं जो फैसला लिया गया है उसके बारे में, किस तरह की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए। फिलहाल जो दर्शक हमारे अभी अभी जुड़े हैं उसको उनको भी ये बताना चाहेंगे कि सरकार एक बार फिर से सख्त नजर आई है, और अनिल विज की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग भी जो स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे थे, और एक बताया जा रहा है एक रामपाल जागलान जी हैं उनका एक मैसेज आया है कमेंट्स बॉक्स में कि रैलियों के बारे में नहीं पता कि कितने आदमी जा सकते हैं। ये एक अहम जो है कमेंट्स आया है। और शादी रात में कर सकते हैं क्या? नहीं, सरकार की तरफ से यह आदेश हुआ है कि लोगों से अपील की गई है कि शादी जो फिलहाल है वो रात में ना की जाए, रात की बजाय दिन में आप शादी कर सकते हैं, ये सरकार की तरफ से बोला गया है। और लोग भी हैं जो अपने विचार हैं वो साझा कर सकते हैं, हम आपका जो कमेंट्स बॉक्स में आएगा जो आपके विचार हैं वो हम आपको बताएंगे। एक सोफिया है उनके तरफ से भी मैसेज आया कि कोरोना पहले कुंभ मेले को बंद करो,
हिम्मत है तो अपनी एडवाइस बाद में दे, नहीं और लोगों को जो है असुविधा ना हो उसके लिए भी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुंभ मेले के अंदर काफी भीड़ होती है और इनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की, रैली में कितने आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, रामपाल जागलान जी की तरफ से ये मैसेज आया है। तमाम जो लोग हैं दर्शक हमारे हैं वो जुड़ रहे हैं और आपके लिए फिलहाल कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि आपके जो व्यू होंगे वो हम आपको बीच में जो साझा करेंगे। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दर्शक हमारे अभी अभी जुड़े हैं उनसे एक साझा करेंगे कि हरियाणा की जो सरकार है चंडीगढ़ में उनकी तरफ से एक रिव्यू मीटिंग ली गई थी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री उसमें शामिल हुए थे और तमाम हरियाणा भर के जो SP DC साथ के साथ मुख्य चिकित्सक अधिकारी यानी तमाम जो जिले हैं हरियाणा भर के उसके जो CMO है उनको इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लोगों को शामिल किया गया था और सख्त हिदायत उनकी तरफ से दी गई थी कि बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्ताई करे, कड़ाई करे और जहां जरूरत है उनको, जहां जिले में, क्योंकि जिला उपायुक्त है उनको अपने जिले के बारे में ज्यादा पता है और वो खुद अपनी तरफ से संज्ञान ले सकते हैं, ये उनकी तरफ से बोला गया है। किसानों के मुद्दे पे भी उन्होंने बताया कि किसान जो गेहूं की उठान ना होने के कारण जो तमाम जो अनाज मंडियां हैं उसमें गेहूं नहीं लेकर जा पा रहे। और हम आपको समालखा की बात करें तो समालखा GT रोड पर जो है वो पूरी मंडी भर चुकी है और GT रोड तक जो है गेहूं पहुंच चुका है और उसको लेकर भी क्योंकि किसान है वहां अपनी जो अनाज की गेहूं की फसल है वो नहीं ले जा पा रहे जिसकी वजह से ना उनकी फसल बिक पा रही है, उसको लेकर के जिला उपायुक्तों को बोला गया है कि अगर जो 48 घंटे के अंदर ये उठान नहीं हो पाता तो जिला उपायुक्त खुद इसके जिम्मेदार रहेंगे। क्या आप सोचते हैं जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है किस इसको किस तरह से देखते हैं, वो सभी दर्शक आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें CT तहलका सच के साथ। नमस्कार।